आपके होस्ट एंड दोस्त प्रियंका लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए फिल्मी अड्डा पर खास प्रोग्राम देखा जाए तो फैंस रिव्यू। बिल्कुल हर बार जब भी देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसकी जानकारी या उसका प्रमोशन तो जोरों शोरों से किया जाता है, लेकिन जब किसी फिल्म का गाना या ट्रेलर रिलीज होता है तो उसे वो यूट्यूब तक ही रह जाता है। तो भाई हमारा काम बनता है कि आप लोगों को यूट्यूब पर जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देते चलिए, और इसीलिए हम आप लोगों के लिए खास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। और आज जानकारी है हमारे बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान को लेकर। सलमान खान की फिल्म भारत जो कि ईद के मौके पर यानी 5 मई 2019 को रिलीज होने वाली है, उस फिल्म का गाना एक रिलीज हो गया है। जी हाँ, पहले इससे पहले उनका गाना रिलीज हुआ था जिसमें दिशा पटानी और सलमान खान थे, तो वहीं अब उनका दूसरा गाना भी रिलीज हो गया है। गाने के बोल है चास नहीं है। जी हाँ, और गाने में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ रोमांस करती हुई नजर आई है। फिलहाल गाने का टीजर रिलीज हुआ है अभी, और टीजर रिलीज होने में टीजर में जिस तरीके से जितना दिखाया गया है उसमें सलमान और कैटरीना का फुल ऑन रोमांस दिखाया गया है। वेल, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप सभी लोगों को कि आखिरकार इस फिल्म के गाने में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है और किस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है इस रिपोर्ट के जरिए। वेल दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि कितने तेजी से दर्शकों को ये पसंद आ रहा है इनका ये गाना। अभी ये मैंने आपको ये जानकारी दी है कि आखिरकार इस गाने में इस कैटरीना कैफ और सलमान के इस गाने में आखिर है क्या। अब बात करते हैं कमेंट्स की यानी कि हमारे फैंस के कमेंट की। पहला मैसेज है शेख सोहेल का, हु इज बेस्ट सलमान एंड कैटरीना। भाई ऐसे मत बोलिए भाई, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है लोगों को, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना बहुत नामुमकिन है मेरे लिए। तो पहले आगे बढ़ जाते हैं। अब्बास का मैसेज है अर्जुन सॉरी अगेन द ईयर ऑफ सलमान खान एंड कैटरीना कैफ, टाइगर जिंदा है। भाई उनकी फिल्म आके चली गई और अब इसका तीसरा सीक्वल पार्ट भी आने वाला है। इधर अदर रोमांटिक सॉन्ग बाय सलमान एंड कैटरीना, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी भारत, ओनली वन सलमान खान। सही कहा भाई, सलमान खान जिस तरीके से खुद उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत की है बाकी फिल्मों के जरिए। वेल आगे बढ़ जाते हैं। अगला मैसेज है फिजा अली का, जिन्होंने लिखा है हु इज ब्यूटी क्वीन कैटरीना कैफ एंड व्हाट दिशा पटानी। भाई अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी जो एक्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वेल सलमान अहमद का मैसेज है सलमान कैटरीना प्लस परफेक्ट कपल। हाँ वो बहुत अच्छे से इन्होंने मैथमेटिक लिखा है, सलमान प्लस कैटरीना इज इक्वल टू परफेक्ट कपल। बिल्कुल सही कहा आपने, हर कोई चाहता है कि ये जोड़ी एक हो जाए। वेल आगे बढ़ जाते हैं। अगला मैसेज स्वीट गर्ल का है, कैटरीना कैफ माई फेवरेट एक्ट्रेस, शी इज जस्ट अमेजिंग। वाकई में बहुत ही ज्यादा, और उनकी हर कोई तारीफ, यहाँ तक कि रणवीर कपूर ने भी उनकी तारीफ की। उमेर का मैसेज है सलमान मूवीज इज हैज सॉन्ग ऑलवेज रॉक ऑन इंटरनेट। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हमेशा सलमान के जो गाने होते हैं वो काफी ज्यादा फैंस को जो है पसंद आते हैं। हु इज मोर प्रीटी कैटरीना एंड दिशा, प्लीज इन दोनों के बीच कंपैरिजन मत कीजिए क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं और दोनों ही इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है। हाँ, सलमान के साथ दिशा की नई जोड़ी आप लोगों को कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आतिफ असलम इज द मिसेज हियर, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिगेस्ट मिस्टेक रिप्लेस आतिफ असलम सॉन्ग। भैया इन्हें ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। दिल दिया गल्ला म्यूजिक रिकॉर्डेड सो एक्सेलेंट, वाओ वाओ, ने ये पुराना गाना याद आ गया। सलमान खान इस मूवी में म्यूजिक बहुत अच्छा होता है सिंस 90s टू टिल द डेट। बिल्कुल ऐसा लगता है 90 के दशक के गाने को रीमेक करके सलमान ने अपनी फिल्मों में उसे फिर से प्रेजेंट किया है। एक बात आपको बताती हूँ, मुझे भी सलमान खान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली मैं तो भारत ज़रूर देखने जाने वाली हूँ, लेकिन आप लोग भी मिस मत कीजिएगा और आप गाने जो हैं उस पर हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वेल आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास मैसेज है टुमारो मॉर्निंग विच, आगे मैसेज है, आगे बढ़ते हैं। ओके, टुमारो मॉर्निंग दिस सॉन्ग विल बी नंबर वन ट्रेंडिंग पेज। वेल देखते हैं कितना सच होता है कितना गलत, क्या वाकई में ट्रेंडिंग में जाता है या फिर नहीं। इफ यू आर रिकॉर्डेड दिस इज आई होप सम टाइम द एक्सल
अनएक्सपेक्टेड गुड हैपेंस टू यू द दिस वीक. वाओ, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने. विच मूवी विल बी बेस्ट, और कौन कौन सॉन्ग देखते देखते कमेंट पढ़ता है और लाइक करता है. भैया ये तो हम नहीं करते, आप लोगों का तो पता नहीं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा. अगला मैसेज है, व्हाई रिप्लेस आतिफ असलम, प्लीज 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 रिलीज ऑडियो इन हैज ब्लू वॉइस. आतिफ असलम को लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और देखा जाए तो ऐसा नहीं है सलमान का ये गाना फैंस को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आतिफ असलम को सबसे ज़्यादा मिस किया जा रहा है. दी ऑलवेज द सिंगर एंड से चासनी, होप दिस फिल्म गोज सक्सेसफुल. डेफिनेटली सक्सेसफुल जाएगा. सुपर हिट भारत ब्रॉक एंड रिकॉर्ड एंड क्रिएट न्यू रिकॉर्ड ऑन ईद, ईद अमेजिंग सॉन्ग. डेफिनेटली ईद के मौके पर हमेशा सलमान अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ बहुत ही खास लेकर आते हैं. उनका ईद ही बहुत खास होता है, स्पेशल होता है. दिस सॉन्ग इज द माइंड ब्लोइंग सुपर हिट. आई एम वेटिंग फॉर दिस सॉन्ग. आई लव जोड़ी माई फेवरेट सलमान सर एंड कैटरीना दी. कैटरीना कैफ को दीदी के नाम से बुलाया गया. कौन है ये हमारे जनाब जी? ये है अच्छा डिम्पल कुमारी हैं ये, कोई बहुत बड़ी फैन लगती है कैटरीना कैफ की. आगे वाओ, मीठी मीठी चाशनी सॉन्ग कमिंग, मुझे बहुत पसंद आया है. कैटरीना कैफ इज सो ब्यूटीफुल भाई. ओवरऑल भाई जैसा हमें उम्मीद था वैसा दर्शकों को कैटरीना एंड सलमान की जोड़ी ऑलवेज अच्छी लगती आई है, अच्छी लग रही है और आगे भी लगती रहेगी. वेल आपने अगर मिस किया है कमेंट तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि भाई हमें कैसा पता चलेगा कि आपको कैसी लगी है जोड़ी. तो फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आखिरकार सलमान, और हमें जरूर पता चले कि सलमान और जो कैटरीना की जोड़ी है वो आपको कैसे लगी है. फिलहाल दोस्तों आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन हाँ बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए. लेकिन तब तक के लिए खुदा हाफिज़.